मेरा नाम रिचर्ड है और इन भाई का नाम और हम दोनों अभी नए नए एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं जिसमें हमें एक गरीब लोगों की मदद करने का है। उनके लिए अभी हम निकले हैं। हमारे पास जो आइटम्स है छोटा मोटा, इतना तो हमारे पास कॉस्ट नहीं था, इस वजह से हम छोटा मोटा आइटम कुछ सिलेक्ट करके हम उनको दिए है, जैसे कि दाल चावल ये सब हमने, आटा ये दिया है। तो अभी हम जस्ट अभी निकले रैंडमली, पता नहीं किसको हम दे पाएंगे। अभी हम जाएंगे पब्लिकली और जाके कोई भी, अगर सपोज रेड लाइट में मिल जाते हैं या कोई भी एरिया में मिलते हैं तो हम रैंडमली उनको देंगे। आप हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहिएगा। और ये है हमारा सामान, ये इसके अंदर हमारा आटा, दाल और चावल है। अभी हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऐसा नीडी पीपल मिले जिसको हम ये दे पाए। तो चलते हैं, अभी चेक करते हैं, राउंड मारते हैं पूरा दिल्ली। हाँ वो रास्ता बताओ मुझे थोड़ा। हाँ ठीक है, अच्छा वो फ्लाईओवर के नीचे, हाँ चल लेंगे वहाँ पे। तो ये हमारे साथ नमन भाई है, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। अभी तो बेचारे वो कैमरा हैंडल कर रहे हैं इसलिए नहीं 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 नहीं, ये जगह संडे मार्केट आ गए गाइस, यहाँ पे इससे पहले यहाँ से हटते हैं नहीं तो भीड़ में फंस जाएंगे। यहाँ पे भीड़ हो रही है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा काम, अगले रास्ते से चलेंगे। और हाँ मैं नमन भाई के इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। नमन भाई है जो, ये भाई हमारे चर्च में आते हैं। तो हमारा, मेरे को एक रैंडमली, मैम मेरे को सर्च करता रहता हूँ मैं काम वगैरह के लिए, तो मेरे को एक रैंडमली एक दिन एनजीओ का एक मुझे वो पड़ जाता है कांटेक्ट, मतलब बातचीत होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने बोला वो उनका उद्देश्य था वो एनजीओ वालों के, भाई तुम एक टीम बनाओ दिल्ली में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चर्च का एक टीम बनाऊँ, चर्च में जितने आए भाई हमारे यूथ वगैरह, तो उनमें से मैंने एक नमन भाई को बोला है। बाकी मैंने बाकी को भी बोला है, बाकी का थोड़ा बिजी, बाकियों का जो है थोड़ा बिजी शेड्यूल है इसलिए वो थोड़ा नहीं कर पा रहे। बाकी नमन भाई भी बिजी रहते हैं, बट संडे का दिन जो रहते थोड़ा उनका लूज़ रहता है इवनिंग में, तो इस वजह से हम निकले हैं इवनिंग में ही। आज संडे का दिन है, चर्च वर्च ख़त्म कर लिया और निकल लिया। तो अभी तो हमारा मेन गोल है कि हमारे मम्मी पापा भी बोल रहे थे और मेरे आइडिया के हिसाब से ये जो लाजवंती ना क्या बोलते हैं उसे, मायपुरी की तरफ एक मतलब कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे, जिनको जो मतलब थोड़े नीडी बिप ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। आज का जो ब्लॉग है वो छोटा में आएगा, जो मेरे चैनल में आएगा। वैसे तो ये अपना प्राणुभूति जो एनजीओ है उनके साथ लिंक अप होगा, पर अपना ब्लॉग जो मेन टाइम का 8 मिनट का होता है, पर छोटा का आएगा। यहाँ पे कह रहे नमन भाई, यहाँ पे इसके आगे वीडियो आएगा। तो क्योंकि हमारा कुछ पर्पस नहीं था, हमारा मेन बाहर निकलने का पर्पस यही था कि भाई चलो आज कुछ काम कर लेते, पुण्य का काम। क्यों भाई नमन, यहाँ पे, हाँ ये इधर के लोग, अच्छा तो इसके लिए अब तो शायद गाड़ी पूरा आगे से घुमाना पड़ेगा भाई, एक तो पूरा गाड़ी आगे से घुमाना पड़ेगा, यहाँ से घुमाने से सेफ नहीं रहेगा, ट्रैफिक चलान वाला मर गया तो हो गया। उधर से वहीं पे है ना, चलो डन है, फिर घुमा के ले आता हूँ गाड़ी। क्यों, चलो हमें बंदे मिल गए। नमन भाई इस जेल में गए हो कभी, जाना है उस, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। ये ड्राइवर के नीचे रोकूंगा, ठीक है गाड़ी, हाँ बोलो बोलो। लो बेटा,
लो दे दो भाई लकी। ले लो घर में खाना राइस है चावल खा लो ले लो नमन। पापा मम्मी कहाँ है बैठो बाय। खुश हो गया ना लड़का लड़का खुश हो गया यार पागल है पर खुश हुआ है ना। आपने जिस तरह देखा कि हमने उसकी मदद की जैसे कि वो जो एक छोटा सा लड़का था उसकी मदद की उसके फैमिली का मुझे पता नहीं था इसलिए मैं फैमिली से मिल नहीं पाया मुझे मिलना तो था बट नहीं मिल पाया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनको दे के मतलब क्योंकि जैसे हमने दिया तो वो पहली बात तो वो जो लड़का था थोड़ा सा मतलब जैसे कि माइंड का थोड़ा वो था मतलब थोड़ा मेंटली कुछ प्रॉब्लम था उसका बट हाँ जब मैंने उसे ये छोटा सा जो मैंने अपना एक दिया जो मैंने मदद उनको तो वो इतना खुश सा हो गया था मतलब ताली जैसे कि आपने वीडियो में देखोगे ताली सा मार के मतलब एक चेहरे मतलब खुशी सा हो गया था मतलब उसके फीलिंग्स आप बता रहे थे वो कहना क्या चाहता है क्योंकि वो बोल भी नहीं पा रहा था तो मैं समझ पा रहा था कि भाई वो इमोशनली कनेक्ट हो पाया ना उससे काफ़ी क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं उसको मदद मतलब ऐसे रैंडमली कोई एनजीओ मतलब एनजीओ के साथ जुड़ के एक रैंडमली कोई बंदा को मैंने देखा और उनको मैंने मदद किया। और मैं पहले भी काम किया हूँ बट मैं पापा के साथ काम करता था इंडिया में कोविड के टाइम पे बट इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था बट और वो लोग भी थे जिसको मदद करता था वो सारे नोन लोग थे बट जब मैंने इस बार एक रैंडमली एक बंदे को या एक बेटा को मैंने उनको मदद किया तो एक उसका मुझे एक अलग सा एक इमोशन मेरे मतलब अंदर आया कि मतलब हाँ भाई अगर ज़रूरतमंद को देंगे तो मतलब वो अहमियत समझते हैं जो भी सामान को और वो एक उनके मतलब उनके फेस पे साफ दिखता है वो कितने खुश है। अगर हम जिनके पास है उसको और एक्स्ट्रा और देंगे तो वो फिर वैलिड नहीं रहता थैंक्सफुल नहीं रहते वो लोग। तो हमारे साथ नमन भाई भी है वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उन जो बेटा को उन्होंने हमने मदद किया था। तो जैसे कि मैंने अभी बताया जैसे रोड साइड रह रहे लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं तो उनके जो है कि जीवन में लाइफ में बहुत सारे वो लोग परेशानियों को फेस करते हैं तो हम लोगों ने अभी उनको जो खाना का ये मदद किया है हेल्प की है हम लोगों ने जैसे तो उसे लेकर वो जो कि बहुत खुश हुआ तो इसी तरह हमें आगे चल के एक नहीं एक से अधिक और भी जितने लोगों को हो सके जितने लोग हमारे पास जितना भी फंडिंग हो जितना हमसे मेहनत होगा हम और लोगों को खुश करेंगे और जो सड़क रोड साइड में रहने वाले लोग जो होते हैं जिनके पास कभी काल इनके लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि कभी कभी एक रोटी के लिए भी इनको तरसना पड़ जाता है तो इसलिए अगर हम लोग थोड़ा ये फंडिंग करेंगे तो इनके जीवन में भी क्या होता है कि खुशी और एक क्या बोल देंगे हैप्पी को ये लोग अपने उस खाने के द्वारा ही ये लोग खुश रह जाते हैं तो इसीलिए हम लोग आगे चल के और भी चीज़ काफ़ी चीज़ों को करने के लिए सोचे हैं। अभी हमारे अंदर जितना ताकत था कि हम लोग जितना फंडिंग कर सकते हैं उतना किए आगे चल के जैसे अभी जो चल रहा है ठंडी आ गई है तो कम्बल वगैरह भी ठंडी का स्वेटर वगैरह भी हम लोग देने के लिए सोच रहे हैं और भी लोगों को खाना वगैरह ऐसे देंगे तो इसीलिए जो कोई भी चाहता है तो अपने फंडिंग को दे सकता है फंड कर सकता है
और ताकि और लोगों को क्या है कि खुश कर सकें। जी नमन भाई ने बताया आपने इन चीज़ों के लिए, इन कामों के लिए पहले तो हमें फंडिंग की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि हम दोनों ही जो भाई मतलब है भाई लोग हैं वो मतलब हम कोई मतलब बिजनेस मैंस नहीं है और ना कि हम रिच फैमिली से आते हैं, हमारा बैकग्राउंड भी इतना मतलब अमीर फैमिली नहीं है। जो भी है हम ये भी जो कर पाए ये एनजीओ के मदद से कर पाए और वो एनजीओ का मैं शुक्रगुजार हूँ और वो एनजीओ का नाम है प्रणभूति फाउंडेशन, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें मौका दिया इन लोग को इन लोग की सेवकाई में सेवा करने के लिए, और जैसे कि भाई ने बोला फ्यूचर में भी हम इनके मतलब इन जैसे और भी लोगों को मदद करना चाहते हैं, जैसे सर्दी के टाइम पे चादरों की मदद कर सकते हैं, तो ऐसे काफ़ी हमें मदद करेंगे। और इवन अभी जैसे कि हमने उन जो बेटा है उसको हमने जैसे जिस तरह मदद किया था उसके फेस में जैसे खुशी सा लगा था, और इवन वो तो अच्छा लगा था बट उसमें जो एक उनका शायद मेंटली कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम था, तो इसके लिए हम दोनों डिस्कस किए क्यों ना हम उसके लिए फ्यूचर में कुछ हम प्लान कर पाए उनके मेंटली हेल्थ के लिए कुछ ठीक होने के लिए, एंड उनके जो भी एजुकेशन वगैरह हो गया फ्यूचर में जो प्लान्स रहता है उनका, और उनके मम्मी पापा से भी हम मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए बट हमें फंड हमारे पास इतना नहीं है जैसे कि हमें इनका इलाज या एजुकेशन वगैरह कराना होगा या फ्यूचर में और किसी को भी हमें हेल्प करना होगा, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें फंड की आवश्यकता पड़ सकती है और पड़ेगी। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे एनजीओ के जो अकाउंट डिटेल्स होगा वो मैं नीचे दिया हुआ हूँ, इसमें आप जो भी आप कुछ उनके लिए मदद कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, कुछ भी वो आप कर सकते हैं खोल के, बट आप अगर नहीं दे पाओ एटलीस्ट आप एक रुपये भी इनके लिए आप अपने पॉकेट से लगा रहे हो। तो ऊपर वाला कहता है कि अगर तुम जितना दोगे उससे मैं ज़्यादा अधिक देने वाला हूँ, अगर आप उनके लिए एक रुपये भी आप देंगे तो बहुत उनके लिए मदद रहेगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी उनकी मदद करें, इन सब कामों के लिए आप आगे आए, क्योंकि ये काम हमें फ्यूचर में करना है, मदद करना है लोगों को। तो ये रिक्वेस्ट आप करिएगा अकाउंट डिटेल में जो है, और आप जो भी हमारे एनजीओ से कांटेक्ट करना चाहते उनका डिटेल मैंने आपको नीचे दे दूंगा, और ये काम के लिए आप उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं।